दालचीनी का पौधे है, देखा जाए ये हींग का पेड़ है, और ये लौंग का पेड़ है, और ये सर लाल चंदन है, ये बड़ी इलायची है, ये कलमी काजू है। इसका दोस्तों कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं सोनपुर मेला। जी हाँ दोस्तों, 6 बजे करीब पहुंच चुका हूं, और सुबह पहले पहुंचते ही मैं एक पौशाले में घुस गया हूं, यानी मैं पौशाले में जो प्रदर्शनी लगा है पौशाले का, उसमें आ गया हूँ। तो अभी फिलहाल एक चाचा जी है, उनके पास बहुत सारे ऐसे वैरायटी है, बहुत सारे ऐसे पौधे है जो की आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काजू का पेड़ है, मौसमी का पेड़ है, अनार का पेड़ है, और ये गरम मसाला का पेड़ है। एक बासमती चावल का स्वाद अगर डाल देंगे चावल में उस पत्ते को, तो बासमती का एकदम स्वाद आ जाएगा। जी हाँ, कई ऐसे वैरायटी हैं जो कि चाचा यहाँ अपने प्रदर्शनी में लाए हैं। चलिए इनके जो पौशाला है इनसे देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? अमोद कुमार चौरसिया नाम हुआ। अमोद कुमार चौरसिया जी कहाँ से है? हाजीपुर से, जरुआबाड़ी टोला, बनारस पट्टी। मैं नर्सरी लाया हूँ मेला में। जी जी, आप नर्सरी जो अलग अलग वैरायटी के हैं, एक एक हमको। दालचीनी का पौधे है, इस पौधे से छाल निकाला जाता है, और गरम मसाला में जो डलता है छाल, वह दालचीनी का छाल रहता है, उसमें गरम मसाला में ही पड़ता है। ये दालचीनी का जी, ये दालचीनी का देख सकते हैं, देखा जाए ये हींग का पेड़ है, देख सकते हैं दोस्तों, यही है ये दाल में जो हींग रख के लोग खाते हैं, और कभी कभी दर्द में भी लोग लगाते हैं यही हींग का। और ये लौंग का पेड़ है, तो यहाँ पे देखते हैं ये लौंग का पेड़, क्या चीज है? ये लौंग का पेड़ है, लौंग लौंग के पेड़ होगा, लौंग का पेड़ है ये सर। बासमती है, किसी भी चावल में अगर एक पत्ता डाल दिया जाता है 1 किलो चावल में, वो स्मेल बासमती का ही होता है ये। और ये सर लाल चंदन है, देखा जाए ये लाल चंदन है, और ये बड़ी इलायची है जो सब्जी में डाला जाता है वो है, और ये हर्रे है, देखा जाए ये हर्रे का पेड़ है, और ये तेजपत्ता है जो सब्जी में जो डाला जाता है तेजपत्ता, वही चीज है ये। पास ये गरम मसाला का पेड़ है जो सब्जी में एक पत्ता डाल देने के बाद गरम मसाला के ही काम करता है। ये KG1 अमदूर है, आधा किलो से लेके 1 किलो तक का होता है। ये आम है, जो आम साल का 3 गुल फरता है, और ये जो है गोल मिर्च का पेड़ है जो सब्जी में पड़ता है। ये जमाइन है, जमाइन का पेड़ जो लोग पान खाते हैं, वो पान का है पौधे। ये अंगूर है सर, हाइब्रिड। अच्छा, ये आपको 3 महीना के बाद ये पूरे लत्तर छा जाता है, और 6 महीने के अंदर में ये फल देता है, ये सफेद होता है। ये चाइनीज अमदूर है, चाइनीज जी, जो इसमें काला फल देता है। ये इंसुलिन है, जो चीनी के बीमारी में काम आते हैं, जो सवेरे पर एक पत्ता खाने से चीनी को कम कर देता है। ये बारहमासी कटहल है, ये 12 महीना फरता ही है। और ये आमला है हाइब्रिड, जो मार्केट में 12 आमला जो बिकता है वह है। और ये रबर का पेड़ है, देखा जाए हाँ, रबर का पेड़ है, इसी का दूध से रबर बनता है। और ये जामुन है, कलमी गरसना। बादाम का पेड़ है, काठ बादाम जी, ये काठ बादाम का पेड़ है। ये संतरा का पेड़ है, तो जो है से संतरा। हजारा नींबू का पेड़ होता है, ये 12 मास फरता है, और 3 से 4 फीट का पेड़ होता है। हरसिंगार का पेड़ है, ये रात में फूल देता है और सवेरे चू जाता है। ये शिमला मिर्च है, जो मार्केट में बिकता है अचार के लिए। रंगन फूल है, देखा जाए कलमी काजू है जी, जो 2 साल के अंदर में ये फरना शुरू हो जाता है। और ये चिक्कू है, और ये जो कटा है पिंक कलर का होता है, 12 मास फरता है ये। ये जो है कि लक्की बांस है, और ये हुमाद है, ये हुमाद जो बनता है
तो दोस्तों ये था इनका पौधशाला, और इस पौधशाले में ऐसे ऐसे पौधे लाए हैं जो कि आप लोग देखना नामुमकिन सा लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पौधशाले में जैसे कि बता रहे हैं काजू का पेड़ है, कई ऐसे मैंने पौधे जो देखे हैं यहाँ पे अद्भुत हैं। तो अगर आप सोनपुर मेला में आए हैं घूमने के लिए तो इनके यहाँ जरूर आइए और यहाँ से पौधा जरूर ले जाइए, जैसे काजू का हो गया, इलायची का हो गया, गरम मसाला का हो गया, कई ऐसे सारे पौधे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अद्भुत अद्भुत पौधे रखे हुए हैं। तो एक छोटा सा ये ब्लॉग था, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।